गुड इवनिंग बच्चों, चलिए आज से एक नए टॉपिक पे काम करते हैं। वो टॉपिक है दो शब्दों का डिफरेंस। अभी ये लॉकडाउन का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर हैं और घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो दो ऐसे शब्द हैं जो आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स वगैरह पर आप सुन रहे होंगे। वो दो शब्द हैं आइसोलेशन और क्वारंटाइन। ये शब्द देखें आप, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। कुछ चैनल्स पे इसे क्वारंटीन भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन आप क्वारंटाइन ही प्रेफरेंस दें। तो दोनों शब्दों में आप रेगुलर सुन रहेंगे कि फला आदमी को आइसोलेशन में रख दिया गया है, फला ग्रुप को आइसोलेशन में रख दिया गया है, या फला लोगों को क्वारंटाइन में डाल दिया गया है। तो आपके मन में आना चाहिए या फिर आता होगा कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन का एक माइन्यूट डिफरेंस क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूं जो मैं जानता हूं या जो आप जान सकते हैं वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन ये होता है कि सिक पीपल को, जो लोग किसी डिजीज से सिक हैं, उन्हें उन लोगों से अलग कर देना जो अभी सिक नहीं हुए हैं। यानी मान लीजिए आपको लगता है कि आप बीमार नहीं हैं और जिनके साथ आप हैं वो बीमार हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। यानी आइसोलेट से ही आइसोलेशन बना है। यानी सिक पीपल को, जो लोग सिक नहीं हो, उनसे क्या कर देना? अलग कर देना। ये क्या होता है? आइसोलेट कर देना। क्वारंटाइन भी वही होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस। क्वारंटाइन क्या होता है? मान लीजिए आपको लगता है कि आप सिक पीपल के संपर्क में आए हैं और वो जिन लोगों के संपर्क में आप आए हैं वो किसी कंटाजियस डिजीज से पीड़ित हैं, लेकिन आपके अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स अभी दिख नहीं रहे हैं। समझिएगा, आइसोलेशन में क्या है? सिक पीपल को, जो अभी हेल्दी हैं, ठीक हैं, उनसे अलग कर देना, ठीक है। लेकिन क्वारंटाइन में क्या है कि आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो लोग डिजीज्ड हैं, यानी जिन पर बीमारी है, आपको लगा कि आप उनके संपर्क में आ गए और आपके अंदर अभी सिम्टम्स नहीं हुए हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने आप को उनसे क्या कर लें? अलग कर लें। तो अगर सिर्फ एक सस्पिशन के आधार पे आप अपने आप को अलग कर ले रहे हैं लेकिन वो सिम्टम्स दिख नहीं रहे, तो आपको क्वारंटाइन में डाल दिया गया। लेकिन अगर एक सिक पर्सन को दूसरे लोगों से अलग कर दिया गया तो उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया गया। फिर से लास्टली मैं इसे कंक्लूड कर दूं, आइसोलेशन सिक पीपल को सही लोगों से क्या कर देना? अलग कर देना। ये आइसोलेशन में डालना है। और क्वारंटाइन करना कि अगर कोई व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आए हों जो कंटाजियस डिजीज से पीड़ित हैं लेकिन ऐसे लोगों के अंदर अभी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या कर देना? अलग कर देना। उनके सभी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देना, अर्थात एक जगह तक उनको क्या कर देना? सीमित कर देना, ताकि वो किसी और के संपर्क में ना आए। तो यह क्वारंटाइन होता है। ओके, थैंक यू।